हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों में से एक है जो राज्य की भूमिका को एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण संस्था के रूप में देखता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण मानता है और राजनीतिक प्रणाली को इन मूल्यों की रक्षा करने का एक साधन मानता है। फिर इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेन हेडिंग, उदारवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्व। तो इसमें हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके अनुष्ठान में राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और समानता सुनिश्चित करने का कार्य होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसमें हमारी, न्यायपूर्ण और समरस समाज। तो इसमें हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत में एक न्यायपूर्ण और समरस समाज की स्थापना को महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सामाजिक सरकार। तो इसमें हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत में सामाजिक सरकार की अहम भूमिका है। राज्य को नागरिकों की भलाइयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपातकालीन प्रणाली का निराकरण। तो इसमें हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत में आपातकालीन प्रणाली को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। यह सिद्धांत राजनीतिक और न्यायिक अत्याचार का सख्त खिलाफ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसमें हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आगे हम लिखेंगे, उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से समृद्धि, समरसता और समाज की प्रगति की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।